भारतवर्ष 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के सोनभद्र स्थित ओबरा तहसील क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के करीबी पर हुआ बड़ा एक्शन, मचा हड़कंप। एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई, मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े अफरोज की संपत्ति हुई जब्त। लगभग 43 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने बाराबंकी पुलिस सोनभद्र पहुंची। गाजीपुर के अफरोज खान द्वारा श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से आपराधिक षड्यंत्र कर कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस नंबर यूपी 41 80 71 71 खरीदने और संगठित गिरोह बनाने पर एक्शन लिया। थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी। पेश है सोनभद्र से मुकेश जी की खास रिपोर्ट। बाराबंकी के कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तहत ये वांछित है, जिसके क्रम में डीएम सर के कोर्ट से आर्डर हुआ था, जिसमें एक 3 मंजिला मकान है। मकान और जमीन की कीमत है 2,33,77,960 रुपया, ये अटैच की गई है। और ये हमारी तहसील में ही ग्राम पटवद है, पटवद में इनकी प्रॉपर्टी है 40,60,19,840 रुपये की उनकी प्रॉपर्टी का अटैच की गई है। कुल कितने की है? कुल कुर्की करवाई हुई 42,93,97,800 रुपये की। ये मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाते हैं, तो किस मामले में? गैंगस्टर एक्ट में करवाई की गई है। और क्या यहाँ बालू वगैरह से भी गिरोहबंद एक्टिविटी करके जो है नजायज तरीके से धन अर्जित करके सब संपत्ति अर्जित की, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी संपत्ति कुर्क की गई। सर, एम्बुलेंस माफिया मुख्तार के गैंग के सक्रिय सदस्य अफरोज खां उर्फ चुन्नू, इनके द्वारा काली कमाई से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी कुर्की श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश किया गया है। कितने की संपत्ति है? अभी ये सामने एक मकान है, इसके अलावा भी इनके काफ़ी ज़मीनें हैं, वो अलग पटवर में है। लगभग कितने करोड़ की होगी? लगभग 42 करोड़।